जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गणपति उत्सव आने वाला है, गणेश चतुर्थी कल है। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में मेरे फेवरेट 10 सिल्क साड़ियाँ आप लोगों के साथ में शेयर करूं, जो गणपति उत्सव के टाइम में यानी कि पूजा के टाइम में आप पहन सकते हैं। गणेश चतुर्थी यानी गणपति उत्सव का पहला दिन, तो आज के इस पहले दिन के लिए मैंने एक हैवी साड़ी पहनी हुई है। तो कौन कौन सी ज्वेलरी डाली है सबसे पहले देख लेते हैं। नथ तो ज़रूरी है, मैंने यहाँ पे नथ डाल ली है और हैवी पर्ल नेकलेस सेट डाला हुआ है। बालों में इस तरीके से गजरा बनाया है और हेयर एक्सेसरी लगा ली है। बहुत ब्यूटीफुल दिखता है इस तरीके से अगर आप अपने बालों में हेयर एक्सेसरी लगा लेते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे नेकलेस सेट डाला हुआ है वो अमेज़ॉन से लिया है और इसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट करा हुआ है एक वीडियो में, लिंक में मेंशन आउट कर दूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा लंबा सा मंगलसूत्र भी इसके ऊपर डाल दिया है। हाथों में मैंने ट्रेडिशनल जो हमारे कड़े रहते हैं वो डाले हैं, प्लस बैंगल्स भी डाल दिए हैं जो मल्टी कलर्ड हैं। यहाँ पे मैंने जो साड़ी डाली है वो बहुत ही प्रिटी और बहुत ही हैवी साड़ी है, नॉट ओनली इन वेट बट इन लुक्स ऑल्सो। कितना खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन है आप देख सकते हैं, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन। इसके ऊपर गोल्डन वर्क किया हुआ है और इसका जो पल्लू है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। सो यहाँ पे टॉप टू बॉटम आप लोग देख सकते हैं साड़ी का, कितना प्रिटी ये कलर है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। दिन के टाइम में जब पूजा करते हैं उस टाइम में ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ पे दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ पहना हुआ है क्योंकि ये जो साड़ी है मदर इन लॉ की साड़ी है, तो उनका ब्लाउज़ मुझे फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर अपनी दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ पहन लिया है जो कि कॉन्ट्रास्ट में है इस साड़ी के साथ में, लेकिन काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। सो मेरे सारे ऑडियंस को नमस्कार, गणपति उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। सेकेंड डे के लिए मैंने यहाँ पे एक हल्की फुल्की सी साड़ी रखी है, येट इस पर मैंने एक चूज़ जो करी है साड़ी वो है फेस्टिव शेड के हिसाब से। फेस्टिव कलर है, येलो कलर है, मस्टर्ड कलर इसमें मिक्स है। बहुत प्यारी हल्की सी साड़ी है। इसके ऊपर मैंने पहना हुआ है चोकर सेट। ये हमेशा ही बहुत बार मैं पहनती हूँ ये चोकर सेट, एकदम मल्टीपर्पज़ चोकर सेट है। किसी भी साड़ी के साथ में ये चला जाता है। ग्रीन बीड्स लगे हैं और हाथ में मैंने एक माला थी बीडेड माला, उसी का मैंने ब्रेसलेट बना लिया है। तो ये लुक भी बहुत ही अच्छा आ गया है फॉर योर सेकेंड डे। थर्ड डे के लिए यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की ये सिल्क साड़ी ली है। वेट में काफ़ी हल्की है। इसके ऊपर जो बॉर्डर बना हुआ है वो सिल्वरिश और गोल्डनिश इस तरीके का मिक्स बॉर्डर है और पूरे जो साड़ी है उसके ऊपर बूटियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे मैंने एक मंगलसूत्र बड़ा लंबा वाला पहना हुआ है, इसके साथ में ब्लू बैंगल्स और पर्ल का कड़ा डाला हुआ है। ईयरिंग्स में यहाँ पे मैंने गोल्डन ईयरिंग्स जिसमें पर्ल वर्क भी किया हुआ है वो दिया हुआ है। ब्लाउज़ जो है आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ पहना हुआ है। इस साड़ी का जो ब्लाउज़ है, क्योंकि सिल्क साड़ियाँ रहती हैं थोड़ी सी ये इनकी जो कपड़ा रहता है ना उसको अगर आप ठीक से मेनटेन ना करें तो ब्लाउज़ थोड़ा सा जो ना बॉर्डर से इस तरीके से फट रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक ब्लाउज़ जो डाला हुआ है वो एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ है। काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है इस साड़ी के साथ में। बालों का बन बना लिया है और एक पिंक रोज़ क्लिप लगा ली है। गणपति उत्सव के फोर्थ डे के लिए मैंने यहाँ पे वोवन सिल्क साड़ी ली है जिसमें हल्दी कुमकुम का कलर मिक्स्ड है। यहाँ पे मैंने पर्ल और गोल्डन फिनिश में नेकलेस सेट डाला है। ये मैंने मिंत्रा से लिया था, लिंक मिलेगी तो ज़रूर मेंशन आउट कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और नथ तो ये मैंडेटरी है मराठी लुक के लिए, तो यहाँ पर मैंने नथ भी डाल ली है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं उन सब की जो परचेजेस लिंक हैं या फिर जो सिमिलर प्रोडक्ट्स मुझे मिलेंगे उनकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेजेस लिंक्स लिख दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए होगा तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। इस साड़ी की खासियत इसका डुअल शेड है और इसके ऊपर जो वोवन यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन बना हुआ है वो भी बहुत खूबसूरत दिखता है। आई होप दैट यू हैव लाइक दिस लुक, डू गिव इट अ थम्स अप। फिफ्थ डे के लिए मैंने ब्यूटीफुल एक सिल्क ब्लेंड कांजीवरम साड़ी ली है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल टर्कोइज में है। यहाँ पे मैंने ईयरिंग्स जो हैं लंबे पहने हुए हैं, नथ डाल दी है और यहाँ पे चांद के शेप में मैंने यहाँ पे बिंदी लगा ली है। मेरा जो ब्लाउज़ है जो मैंने यहाँ पे पहना है वो एक डिज़ाइनर कट में है। आप इस तरीके से अगर सिलवाते हैं तो थोड़ा सा लो पल्लू रख सकते हैं जो अच्छा दिखेगा, जिससे आपका जो ब्लाउज़ है वो भी दिख पाएगा। इसके साथ में मैंने मंगलसूत्र डाला है और हाथ में कड़े डाले हुए हैं। सो दिस कम्प्लीट्स द होल लुक और बालों का बन बनाया है। पसंद आया ये लुक, लाइक ज़रूर करना।
सिक्स डे लुक के लिए मैंने यहाँ पे एक पिंक कलर की साड़ी ली है, और ये जो साड़ी है वो है बनारसी सिल्क साड़ी। इसी साड़ी से मैच करता हुआ मैंने एक नेकलेस सेट डाला हुआ है। यहाँ पे ये स्टोन नेकलेस है, साथ में ही मैंने पर्ल नेकलेस भी इसके साथ में पेयर करा है, और एक लंबा सा मंगलसूत्र पहना है। नाक में नथ तो पहनी ही थी, और साथ में मैंने एक बन बनाया हुआ है बालों का, और गजरा लगाया हुआ है। हाथ में बड़ी बड़ी सी चूड़ियाँ, थोड़ा सा हैवी हाथ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आजकल थोड़ा मेसी का ज़माना है, इसलिए मैंने थोड़े से सामने से फ्लिक्स इसमें निकाल लिए हैं। सो हेयर गोज़ द टॉप टू बॉटम लुक गाइज। कैसा लगा ये एकदम पिंकिश वाला लुक? थोड़ा सा मेजेंटा फील इसमें ज़्यादा है। यहाँ पे अगेन मेरे पास में इसका ब्लाउज नहीं था, ये साड़ी मेरी बहुत पुरानी है, मेरी शादी के टाइम की है, लेकिन जो नया वाला ब्लाउज था दूसरी साड़ी का, उसके साथ में मैंने इस साड़ी को पेयर करा है। इस तरीके से आप अपनी पुरानी साड़ी को एक नया लुक भी दे सकते हैं। सेवेंथ डे लुक के लिए मैंने एक ब्राइट मेजेंटा कलर साड़ी ली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही प्यारा एक गोटा पट्टी वर्क किया हुआ है, बॉर्डर बनाई हुई है। साथ में मैंने जो हैवी नेकलेस सेट पहना हुआ है, और इसमें कुछ बीडेड वर्क किया हुआ है, और बड़ा सा एक मंगलसूत्र डाला हुआ है, और हाथों में अच्छी खासी चूड़ियाँ और कड़ा डाला है। इस साड़ी का जो पल्ला है बहुत ही प्यारा है, टेसल वर्क किया हुआ है, और साथ में ही इसको अगर आप दोनों कंधों पे भी लेना चाहें वैसे भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिखता है। मैंने इसके साथ में दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ पहना हुआ है, रीज़न बीइंग आप जानते ही होंगे कि ये जो साड़ी है वो मेरी मदर इन लॉ की है, तो यहाँ पर मेरे पास में ब्लाउज़ नहीं था, तो आई जस्ट यूज्ड अनदर साड़ीज़ ब्लाउज़। सो हेयर इज़ टॉप टू बॉटम लुक। अच्छी लगी ना ये साड़ी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक लहरिया वाली फीलिंग भी आ रही है, ऑथेंटिक फील भी है, और सिल्क है, और प्यारा सा इसका पल्ला है, बहुत बढ़िया सा गोल्डन वर्क इसके ऊपर किया हुआ है। आई सुप्रीमली लव्ड दिस साड़ी, और बहुत ही ईजिली ये ड्रेप हो गई। आपको कैसे लगी ज़रूर मुझे बताना। सो कमिंग टू द एट्थ डे साड़ी लुक, तो यहाँ पे मैंने बनारसी येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है। बहुत ही प्रिटी इसका कलर है, मैं तो बोलूँगी हल्दी कुमकुम वाला पूरा ये लुक तैयार हो चुका है। इसी के साथ में मैंने चांद शेप की बिंदी लगा ली है, ये कॉमनली यूज्ड बिंदी है अमंगस्ट महाराष्ट्रियन पीपल। यहाँ पे मैंने इयररिंग्स डाल दी हैं प्यारे से, जिसमें थोड़ा सा इसमें एक ग्रीन टिंट आया हुआ है। हाथों में भी रेड बैंगल्स और कड़े डाल दिए हैं। और हाँ, इस साड़ी के साथ में मैंने इस तरीके के गोल्डन और सिल्वर बीडेड वाला नेकलेस, हैवी नेकलेस है वो डाला है, जो कि अच्छा भी दिख रहा है इस ओवरऑल लुक के साथ में। यहाँ पे मैंने जो ब्लाउज़ पहना हुआ है वो दूसरा ब्लाउज़ है, इस साड़ी का ब्लाउज़ मुझे नहीं आ रहा था, बहुत पुरानी साड़ी है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रास्ट हल्दी कुमकुम का जो लुक आ गया है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्या बोलते हो? सो पल्लू के ऊपर भी बहुत ही अच्छा ही गोल्डनिश और सिल्वरिश इस तरीके का मिक्स्ड वाला जरी वर्क किया हुआ है, तो पूजा के टाइम में तो दोनों तरफ आप पल्लू लेके आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे है टॉप टू बॉटम वाला लुक गाइज। रेड, येलो और ग्रीन जो मेरे कानों में ऑलरेडी बीड्स लगे हुए हैं, तो ओवरऑल सारी चीज़ें मैं बोल सकती हूँ पूजा के टाइम में, यानी कि इंडियन फेस्टिवल के टाइम में जो भी कलर्स यूज़ होते हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये लुक मुझे काफ़ी पसंद आया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। नौवें दिन के लिए मैंने यहाँ पे पैठनी साड़ी ली है, ये एक सिल्क साड़ी है, और महाराष्ट्रियन फेस्टिवल में ये पहनी ही जाती है, चाहे शादी हो या फिर कोई ट्रेडिशनल फंक्शन हो। इसका यहाँ पे आप पल्ला देखिए कितना भरा हुआ, एकदम गोल्डन जरी वर्क किया हुआ है, बॉर्डर एरिया देखिए, ऑल ओवर साड़ी में बूटियाँ बनी हुई हैं, और ये इतनी खूबसूरत और लाइट वेट साड़ी रहती है, थोड़ी महंगी रहती है लेकिन बहुत ही अच्छी दिखती है। तो बैंगल्स और गोल्डन ज्वेलरी के साथ में, जिसमें मंगलसूत्र और कॉइन ज्वेलरी आती है, ये मैंने इस साड़ी के साथ में पेयर करा है। इस साड़ी का जो ये ऑरेंजिश कलर है बहुत ही अच्छा आता है, और इसके ऊपर जो ये गोल्डन वर्क किया हुआ है उसकी इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। तो इस तरीके की जो साड़ियाँ हैं वो गणपति उत्सव में बहुत ही अच्छी दिखती हैं। डू ट्राई आउट दीज साड़ीज गाइज। इससे रिलेटेड कोई अगर मुझे परचेज लिंक दिखता है ज़रूर मैं मैंशन आउट कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ है टॉप टू बॉटम लुक। मैंने बालों में एक जूड़ा लगाया है, और इस जूड़े का मैंने ऑलरेडी अपने ही चैनल पे एक रिव्यू दिया हुआ है, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। लंबे लंबे झुमके डाले हुए हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वाला लुक काफ़ी पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर देना।
गणपति उत्सव के आखिरी दिन यानी कि विसर्जन के दिन के लिए मैंने यहाँ पे अपनी शादी की बनारसी सिल्क साड़ी पहनी हुई है। इसके साथ में मैंने पर्ल और गोल्डन ईयरिंग सेट यानी कि नेकलेस और ईयरिंग्स इसके साथ में आ जाते हैं, नथ डाला हुआ है और बन बनाया हुआ है जिसके साथ में एक लाल गुलाब अपने बालों में लगा लिया है। कितना खूबसूरत ये लुक आ चुका है आप खुद ही देख सकते हैं। इस खास दिन के लिए मैंने ये खास साड़ी चुनी है क्योंकि खास यादें इस साड़ी के साथ में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप देखिए कि साड़ी के ऊपर जो गोल्डन जरी वर्क किया हुआ है उसकी रंगत ही इस साड़ी को और खूबसूरत बना देती है। इस साड़ी के साथ में मैंने दूसरी साड़ी का ब्लाउज पेयर करा हुआ है, ब्रोकेड ब्लाउज है, क्योंकि ओरिजिनल साड़ी का जो पुराना ब्लाउज था वो मुझे अब नहीं आ रहा है। सो इस लुक के साथ में ही आप सब लोगों को गणेश उत्सव की हार्दिक बधाइयाँ। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे ही 10 लुक्स गणपति उत्सव के लिए 10 दिन के लिए 10 सिल्क साड़ी लुक्स पसंद आए होंगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को और इस वीडियो को। अगले वीडियो आने तक बाय, टेक केयर।